निलंबित किया है। ये तेलंगाना की सरकार और मेरी लड़ाई थी, मुख्यमंत्री के बेटे की मेरी लड़ाई थी। उसने राम विरोधी को बुलाया है, सीता मैया राम जी को जिसने गाली दिया उसने उसको बुलाया। और हमने भी ठीक है, जब वो कॉमेडी कर सकता है तो हम भी छोटी मोटी कॉमेडी हम भी कर सकते हैं, हमने भी कॉमेडी की, सस्पेंड किया। गम नहीं है, गर्व है, क्योंकि हमने कभी हमारी लाइन को क्रॉस नहीं किया। पहले तो मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। अगर किसी को पसंद आए गुड, किसी को पसंद नहीं आए वेरी गुड। ये भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, आप हार्ड हिंदुत्ववादी नेता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है, मैं एक हिंदुवादी नेता हूँ, हिंदुवादी कार्यकर्ता हूँ। हिंदुत्व को लेकर चलना मेरा परम कर्तव्य है। हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, हर राजनेता की सोच अलग अलग होती है। अगर कोई सोच में परिवर्तन लाता है तो ये उनकी मर्जी, लेकिन जब तक हम जीवित है हिंदुत्व के झंडे को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रति अगर बीजेपी आगे बढ़ेगी तो नुकसान तो होगा ही। ये कांग्रेस जो पार्टी है ना, ये कैंसर है देश के लिए, और ये जब तक रहेगी जब तक कैंसर फैलाते रहेगी। द केरला मूवी, मैं तो कहता हूँ कि राजीव गांधी सोनिया गांधी जी के साथ वो मूवी देखे, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अपने पूरे पैनल के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ वो मूवी देखे। राजनीति थोड़े दिन बाजू रखो यार, थोड़ा क्या षड्यंत्र चल रहा है देश में, हमारे राज्य में, थोड़ा उन पर भी थोड़ी दृष्टि डालिए। द केरला स्टोरी एक सच्ची घटना है, 100% में से सिर्फ 5% बताया गया वो मूवी में कि किस प्रकार से षड्यंत्र करते हैं हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। राजस्थान की सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि एक बार आप वो मूवी देखें, विरोध ना करें। प्राची जी के ऊपर आपने FIR की है, कार्यकर्ताओं पे आपने FIR की है। FIR करने से कुछ होगा नहीं, 100 FIR हो चुकी है हमारे ऊपर, 200 केस तो तेलंगाना में मेरे ऊपर है, लेकिन रुके नहीं। हमारा एक लक्ष्य है, बस बहुत जी लिए, अब धर्म के लिए मरना है, ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे। राजनीति नहीं, फिर से एक बात बता रहा हूँ, राजनीति हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जिएंगे तो हिंदुत्व के लिए, मरेंगे तो हिंदुत्व के लिए। हम ना कोई FIR से डरते हैं और ना ही हम किसी केस से डरते हैं। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, गौ हत्या पर पाबंदी लगाई है, बहुत अच्छी कार्य की है कर्नाटक में, लेकिन वही दूसरे दूसरे क्षेत्र से लोग वहाँ पर जाकर एक एक बूथ में डुप्लीकेट वोटिंग करके वहाँ पर बहुत सारा लाश करे। और कांग्रेस ने देखिए इस बार पैसों का बहुत बड़ा उपयोग किया है, 1 crore 5 lakh में उन्होंने खरीदा है वहाँ पर, जिसके कारण लाश हुआ। लेकिन भविष्य में बजरंग दल को कोई बैन नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। रावण ने पंगा लिया था, क्या हुआ, लंका जल गई हनुमान जी से, वैसे ही कांग्रेस भी जलेगी। कांग्रेस